बच के नोटिस। दोस्तों देखते ही देखते ये रील भी इंस्टाग्राम पर काफी ट्रेंडिंग में आ गया है। इस क्रिएटिव रील को क्रिएट करने के लिए आज हम किसी टेम्पलेट का यूज नहीं करने वाले, बल्कि आज इसे हम मैन्युअली एडिट करेंगे, जो काफी आसान है। इसके लिए सबसे पहले आपको एक बीपीएन ज्वाइन करना होगा। बीपीएन ज्वाइन करने के बाद आप लोगों को कैपकट ऐप में आना है। कैपकट में आने के बाद हम लोग जाएंगे न्यू प्रोजेक्ट पे, वहां से अपना खुद का वीडियो यहां से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम लोग जाएंगे आइडियो में। आइडियो में आने के बाद वहां से अपना खुद का सॉन्ग ऐड करेंगे, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद हम यहां से अपने मेन बीट पे अपने वीडियो में एक कट लगाएंगे। ओके, तो हमारे वीडियो में यहां पे कट लग चुका है। अब यहां से आ जाते हैं बैक। बैक आने के बाद दोस्तों हम जाएंगे इफेक्ट वाले ऑप्शन में। इफेक्ट वाले ऑप्शन में आने के बाद हम लोग जाएंगे वीडियो इफेक्ट में। वीडियो इफेक्ट में आने के बाद यहां से हमको एक इफेक्ट मिलेगा जिसका नाम है डायमंड जूम। इसको सिलेक्ट करने के बाद हम इसे पहले वाले लेयर पे फुल्ली ऐड कर देंगे। उसके बाद दूसरे वाले लेयर पे हम लोग अपना फेस पार्ट जो है उसको कट करेंगे। ओके, यहां पे हमारा जो फेस पार्ट है उसको हम यहां से कट कर लेते हैं। कट करने के बाद दोस्तों हम जाएंगे स्पीड पे। हम इसको स्लो मो करेंगे, यानी कि इसको स्लो करेंगे। इसका स्पीड काफी तेज है तो मैं इसे स्लो कर देता हूं, 0.32 के आसपास इसे रखता हूँ। ओके, बैक आने के बाद हम लोग जाएंगे एडिट वाले ऑप्शन में। यहाँ क्रॉप पे क्लिक करेंगे। क्रॉप में आने के बाद इसका रेशियो हम रखेंगे 60.9 और अपने फेस को कुछ इस टाइप से हम कट कर लेंगे। ओके, कट करने के बाद हम इस लेयर को सबसे ऊपर लेकर जाएंगे। उसके बाद इस वाले लेयर का हमें कॉपी लेयर क्रिएट करेंगे। कॉपी लेयर क्रिएट करने के बाद दोस्तों हम इसे ओवरले में कन्वर्ट करेंगे। यहां से ओवरले पे क्लिक करके हम इसे ओवरले में कन्वर्ट कर लेते हैं। सबसे नीचे इसको लाएंगे और इस वाले लेयर को हम सबसे नीचे लेकर आएंगे। ओके, नीचे लाने के बाद दोस्तों हम इस लेयर का फिर से एक कॉपी लेयर क्रिएट करेंगे। कॉपी लेयर क्रिएट करने के बाद इसको भी सबसे नीचे लाएंगे। इस बार हम जाएंगे एडिट वाले ऑप्शन में। एडिट वाले ऑप्शन में आने के बाद हम लोग यहां से मिरर पे क्लिक करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। उसके बाद उसे हम कुछ इस टाइप से सेट कर देंगे। सेट करने के बाद दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इसमें सेम एनिमेशन हमको ऐड करना है जिसका नाम है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। ओके, इसको सेट करने के बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, अपने लास्ट वाले पार्ट में अपना मेन वीडियो फिर से ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जहां से हमारा सॉन्ग खत्म होता है वहां से हम अपने वीडियो को यहां से कट कर देंगे। कट करने के बाद इसे डिलीट कर देंगे और दोस्तों आपको जाना है इफेक्ट वाले ऑप्शन में। इफेक्ट वाले ऑप्शन में आने के बाद हम लोग को क्या करना है, वीडियो इफेक्ट में जाना है। वीडियो इफेक्ट में आने के बाद आपको एक इफेक्ट मिलेगा ब्लैक फ्लैश, आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है और इसे पूरी वीडियो में ऐड कर देना है। अब मैं इसे वीडियो को प्ले करता हूं। तो दोस्तों फाइनली हमारी वीडियो एडिट हो चुकी है। कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा ये कंटेंट। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को फुल सपोर्ट दो। बाय।